आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो इसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। और इसमें हम डालेंगे दही, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब तेल लेना है, गरम हो जाने पर उसमें तेज़ पत्ता और कटी हुई प्याज टमाटर डालकर के उसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। हमें कम नमक डालना है क्योंकि मैंने उसमें डाला हुआ था सोयाबीन में, तो उसमें कम तेल डाला है। और अच्छे से पक जाने के बाद टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे गरम पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने के बाद उसमें हम जो सोयाबीन हम लोग मिला के रखे थे उसे डाल लेंगे ताकि वो अच्छे से मसाले सूख ले। अब उसे हम और साइड में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उबला हुआ आलू, उसे मैंने कट कर लिया है, उसमें मिक्स करेंगे। ये गाइस बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप चाहे तो पूरी चावल के साथ आप सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यह जो मसाला बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें डाल देंगे, इससे स्वाद बहुत ही काफ़ी अच्छा होता है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़े देर 10 से 15 मिनट पकने देंगे, बीच में चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और अब उसमें हम देखिए अच्छे से पक गया है, इसने आल छोड़ना शुरू कर दिया है, रिलीज कर रहा है। तो अब इसमें हम वाटर डालेंगे। आप 1 गिलास वाटर या अपने जितना मन करे उतना आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाला है, डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, तो प्लीज़ आप सभी एक बार ट्राई करना। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हम लोग को काफ़ी हेल्प मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे अच्छे और वीडियोज़ बनाएँ आप सबके सामने, आपके शेयर करें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया हमारी सब्ज़ी और सर्व करने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो